काफर है, काफर है, कादियानी कुत्ता है, काफर है, काफर। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, पाकिस्तान से एक वीडियो आया है जिसको देखकर आपको काफ़ी दुख होगा। अगर आपको फिजिक्स या स्टडी या किसी भी इंटेलेक्चुअल की अगर आप इज्जत करते हैं तो आपको दुख होगा। दोस्तों, पाकिस्तान के इकलौते नोबल प्राइज विनर आप जानते होंगे अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम पाकिस्तान के इकलौते और दुनिया के इकलौते मुसलमान हैं जिन्हें नोबल प्राइज़ अवार्ड मिला है। और उसके बाद पाकिस्तान में, हालांकि उन्हें मुस्लिम नहीं समझा जाता है, आप जानते हैं रीज़न क्या है, वो अहमदिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिन्हें ज़्यादातर मुस्लिम देश इंडिया में भी उन्हें मुस्लिम कंसिडर नहीं किया जाता। इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक वो मुस्लिम है, लेकिन आपको पता होगा जो मौलाना लोग होते हैं वो उन्हें मुस्लिम नहीं समझते हैं। तो उनका इतना बुरे तरीके से उनका हश्र हो रहा है, उनके कब्र के साथ तोड़फोड़ हुई थी कुछ दिन पहले, और कब्र में उनके नेम, मतलब जो कब्र में जो नाम लिखा रहता है उसे डैमेज करने की कोशिश की गई थी। और अब स्टूडेंट उनकी फ़ोटो पर कालक पोत रहे हैं और बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो है इसके बाहर खड़े हैं जहाँ पे ये फोटो लगी हुई है डॉक्टर अब्दुल सलाम की, तो माशाल्लाह डायरेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने हमें इजाज़त दी है कि हम इसको जो है ना इसका मुंह काला करके इसको जो है ना दिखाएं आवाम को कि ये चीज़ हमारे माशरे में पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सारे हमारे भाई खड़े हैं, हम लोग इसको कादियानी कुत्ता है, कादियानी काफर है, कादियानी कुत्ता है, काफर है, काफर। जिंदाबाद जिंदाबाद। गुलाम है, गुलाम है रसूल के, गुलाम है गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा जिंदगी मंजूर है। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसाल या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली। कादियानी कुत्ता है, कादियानी कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता है। नाम बैंड देखो, चेंज करो ना हिलाओ। नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या अली, अजमत व शान मुस्तफा जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, स्टेट यूथ पार्लियामेंट जिंदाबाद, स्टेट यूथ पार्लियामेंट जिंदाबाद। अच्छा जी, नारा लावागा कहना है जिहाद, सबीलुना सबीलुना। तो आपने देखा पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोग किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अपने साइंटिस्ट अब्दुल सलाम के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए नोबल प्राइज़ जीता। नोबल प्राइज़ जीतने के बाद आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी कब्र पाकिस्तान में मौजूद है और उनकी कब्र पर भी कई बार हमले हुए हैं। आपने देखा इस वीडियो में ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, हालांकि कई लोग इनकी बातें समझ पा नहीं रहेंगे क्योंकि ज़्यादातर बातें पंजाबी में हैं और पंजाबी मिक्स उर्दू है, तो शायद डिफ़िकल्ट हो समझने में, लेकिन आप इनके जो एक्सप्रेशन है और जो ये हरकतें कर रहे हैं उन्हें देख कर तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये अब्दुल सलाम को मुसलमान नहीं मानते हैं और उनके मुंह पर कालिख पोत रहे हैं, काफिर बोल रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करें तो इंडिया में आप जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से मशहूर अब्दुल कलाम आज़ाद की कितनी इज्जत होती है, उनकी मूर्ति तक एक मंदिर के गेट पर लगाई गई है, इस तरीके की रिस्पेक्ट है एक नॉन हिंदू पर्सन, हिंदू
ना होने के बावजूद भी उनकी इतनी रिस्पेक्ट हो रही है, और पाकिस्तान जो पाकिस्तान में एक नॉन मुस्लिम को इस तरीके की नज़र से देखा जाता है, हालांकि अहमदिया कम्युनिटी को हिंदुस्तान में मुस्लिम का दर्जा मिला हुआ है और पाकिस्तान में इन्हें लोग काफिर मानते हैं, नॉन मुस्लिम मानते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ के युवा किस दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पर वीडियो का होता है अंत, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।